कोई सत्यम सबरे मोमोज खा जा रहा है, एक बार में एफ नहीं खाते। आग बंद कर लियो आग। गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और गाइस अभी जो है बाबा जी को बाहर लेटा, गाइस बाबा जी को यहाँ पर बाहर लेटा दिया और लोग यहाँ पर जो है देखने के लिए आ रहे हैं सुबह सुबह। तो यहाँ पर जो बाबा जी आए देखने के लिए और बहुत से लोग भी आ गए। सोम भी यहाँ पर देख रहा है बाबा जी को। सोम सोम सत्यम तो गए गाइस स्कूल। तो गाइस देख सकते हैं सोम क्या कर रहा है। सोम ने सुबह सुबह नाश्ता कर लिया, रमास का नाश्ता कर लिया है। देख बॉडी बन इधर आ गया है खेलने के लिए स्टूल से। अब करते हैं नाश्ता और नाश्ता भी आने वाला है, उसके बाद चलेंगे गाइस खेत पर। खेत पर करेंगे काम क्योंकि बाबा जी के पास ही बैठना है, क्योंकि लोग वहाँ देखने के लिए उनको आ रहे हैं। और फिर क्या करना है, अपना काम भी यहाँ पर फिनिश करना है। हमारा नाश्ता आज का है, नाश्ते में है रमास उबले हुए। फोम खाएगा खाए सोम को न्यार न्यार खाता फोम न्यार बीडेल सर भगवान ही दिखते हैं। भगवान लक्ष्मी मैया हमें ही देते वो लगे जो अदना जाए। गाइस अब दोपहर के बज रहे हैं 11:30। अब मैं खाता हूँ गाइस खाना। खाना आ चुका है, खाने में है करेला की सब्जी, साथ में है अरहर की दाल। और उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, बाबा जी को नहाएंगे। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं बाबा जी को नहाया जा रहा है मस्त तरीके से। यहाँ पर जो कुछ ही बैठा दिया है और गोपालों में और यहाँ पर जो सावन लगा रहे हैं क्योंकि इनके पाए पलस्तर। आग बंद कर लियो आग। यह बाबा जी को यहाँ पर नवा दिया है 2 से 4 दिन के बाद, क्योंकि हॉस्पिटल से आए थे। उस दिन से बोल रहे थे बेचैनी हो रही है शरीर में, क्योंकि जानते ही आप दोस्तों बेचैनी हो जाती है। उसके बाद उनको नवा दिया मस्त तरीके से यहाँ पर कुर्सी पे बैठा के कुर्सी। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं सत्यम जो स्कूल से आ गया है। ये स्कूल में पता नहीं गाइस क्या करता, लौटता रहता है सारे कपड़े गंदे करके लाता, पसीना भीग गया था। देखो यहाँ पर सब सुबह सुबह नहा के भेजा था, बिल्कुल काजल लगा के नहा के तेल क्रीम पाउडर करके, और देखो ऐसा लौट के आता है पता नहीं क्या करता है स्कूल। यहाँ पर देख सकते हैं सत्यम खा रहा है मस्त तरीके से खोया, उसकी मम्मी खो बना रही है। ओए नाश्ता क्यों, तू नाश्ता क्यों है? तो गाइस ये बच्चे बता रहे हैं यहाँ पर, ये सत्यम बहुत नाच रहा था, उधर ढोल वाला आ गया था, नाचते नहीं है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं सत्यम क्या कर रहा है, छोटे वाले बाबू की दाढ़ी बना रहा है। और बच्चा ये स्कूल क्या करता है, बहुत डांस करता है देखो बहुत। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मौसा मौसी आ चुके हैं बाबा जी को देखने के लिए, और यहाँ पर जो है नाश्ता चल रहा है चाय और बिस्कुट का मस्त तरीके से। और फोम में यहाँ पर बैठा सत्यम डांस कर रहा है खाते खाते। देख सकते हैं केले का नाश्ता चल रहा है मस्त तरीके से, मौसी केला खा रही है। सत्यम अपना भाव मजा आ रहा है देखो, सुबह उधर खेल रहा है। सो के उठाऊँ और देख सकते हैं बादल बहुत भयंकर तरीके से हो गया यहाँ पर आसमान में, और यहाँ पर बारिश भी हो रही है। और इधर देखो, और इधर जी का हो रहा है देखो, ये क्या बना लिया अपने कच्चे का, पूरा कच्चा है यहाँ पर। और गाय यहाँ पर जो है बर्फी बन रही है लौकी की, और साथ में जो है और क्या क्या है इसमें, लौकी है, खोया है, छीनी है, गोपाल बनवा रहा है मस्त तरीके से। और इसका क्या पेंट पकड़ के बैठा है छोटे वाले का, ये बर्फी खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो गाय यहाँ पर जो है मम्मी ये सो रही है मस्त तरीके से, कहाँ पर हो रही है, अरे फाटक लग गया लेकर पीर हो रही है। और मौसम भी देखो कैसा हो रहा है, ठंडा ठंडा मौसम हो गया एकदम, और हवा भी चल रही है गाइस। स्वाद कैसा भाई इसमें? तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं लौकी की बर्फी बननी है, यहाँ पर लौकी फटक रही है, और इसके अंदर मेवा भी पड़ने वाली है, ड्राई फ्रूट्स, बादाम है, मक्का, और इसमें क्या है इलायची, और इलायची भी डालना, खुशबू उसमें अच्छी आएगी। और बाबा जी भी खाएंगे मस्त तरीके से। और सत्यम क्या कर रहा है तू कच्चे का, तो गाय बाबा जी को यहाँ पर बाहर पर आ दिया। क्या हो रहा है बाबा जी, हवा लग रही है, बोला का कम्बर फिर बोतल ला बोतल पैसा लग रही है ठीक है अभी लेके आ रहा हूँ बोतल। कि यहाँ पर हवा लग रही है, फिर हवा तो लगेगी मौसम। देखो गाय ये क्या कर रहा है सत्यम, ऊपर पंखे को चला रहा है देखो डंडे से। अभी बेटा लाइट नहीं आएगी इन पर, नहीं लाइट नहीं आई और लग नहीं जाए उधर मम्मी के, वो तो ये भी बैठा छोटा वाला जो काम ये करेगा इसके पास ही देखो ये आएगा बैठने के लिए। तो हो गया हूँ नहा के रेडी एकदम अभी, और कपड़े पहनने हैं क्योंकि दोपहर के बज रहे हैं 5। और बाबा जी यहाँ पर जो मस्त तरीके से गाजर की लौकी का हलवा खा रहे हैं। बाबा कैसा लग रहा है, ना मीठो ना है, बहुत मीठो है तो सही है, खा लो आराम से कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया खाने पीने की कोई
दिक्कत नहीं, इनको जो खाओ मर्जी मन में आओ वो खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो गाय काई कितनी हो चुकी है, वो तो ऐसे तक रेडी हो गए हैं क्योंकि अब फार्म के बज रहे हैं 6 और गाय आप लोग देख सकते हैं ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, मौसम बहुत ही एकदम बढ़िया प्यारा देख सकते हैं गाइस। आसमान में नीला नीला बादल छाए हुए, देखो काली घटा भी छाई हुई है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। छत के ऊपर भी गाइस पानी भर चुका है और गाइस हवा तो इतनी तेज़ चल रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हवा के साथ साथ जो बाबा जी, हमने अपने बाबा जी जो हैं बाहर को लिटा दिए हैं क्योंकि गाइस जब बिजली का कोई पता नहीं, बिजली रात को आए या फिर ना आए क्योंकि बारिश हुई है काफ़ी तेज़, जिससे देखो पानी भर चुका है। ये देखो गाइस अगर बारिश तेज नहीं होती तो पानी एलोवेरा तो यहाँ पर देख सकते गाइस जो हमारे एलोवेरा और फुलवारियाँ कितनी अच्छी तरीके से साफ़ हो चुकी है। जब भी बारिश होती है ना तो इनकी जो है सफाई हो जाती है। और गाइस जो जीना पे सत्यम आ रहा है और गाइस काई भी कितनी हो चुकी है। सत्यम आ गया ऊपर, गाड़ी जो चालू हुई है काफ़ी देर के बाद चालू हुई है क्योंकि गाइस उसके अंदर जो है पानी भर जाता है। सत्यम देख मौसम कितना अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है क्यों, देखिए हवा चल रही है। देखिए तो गाइस गाड़ी जो हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है काफ़ी देर से, फाइनली पता नहीं क्या हो गया इसके अंदर लगता पानी भर गया है, बाद में कर लीजिए मैं वरिंदर। तो गाइस फाइनली गाड़ी स्टार्ट यहाँ पर हो चुकी है काफ़ी देर के बाद मशक्कत करने, काफ़ी देर से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, पता नहीं इसके अंदर पानी चला जाता, तो गाइस पानी चले जाने के बाद ये जो है थोड़ी दिक्कत करती है। जाएगा फतेह जाएगा सर, फतेह में गाड़ी बैठ गया गाड़ी पर घूम गया, बैठ जान दीजिए पकड़ ले संभाल के आगे गाइस। तो गाय यहाँ पर देख सकते हैं फिर से बारिश आ चुकी है, हमारी जो गाय माता है ये दरवाजे पे आके बैठती है गाय, दरवाजे पे आके देखो यहीं पे बैठेगी, कितनी बार बजा दो फिर भी आएगी। आ चुके अपने घेर में, यहाँ पर देख सकते हैं गाय पड़िया जो हमारी है मस्त तरीके से हम नहा रही है ठंडी ठंडे पानी में क्योंकि जो प्रकृति आसमान से बारिश हो रही है और एकदम काली घटा छाई हुई गाय आसमान में, काली घटा जो कि बहुत ही नुकसानदायक ये बारिश है। हमारे तो दोस्तों धान हैं यहाँ पर, सबके धान है दोस्तों, मेरे क्या हैं कुछ के कटे पड़े हैं कुछ के कैसे हुए हैं किसी का बाजरा भी है, तो गाय बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। देखो गाय हवा भी चल रही है, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा कौन के। तो गाय देखो घर आते ही दोनों भाई क्या कर रहे हैं, पूरे गैस का चूल्हा यहाँ पर एक एक अलग कर दिया, चूल्हा उसके जो ढक्कन सब्जियों जगह अलग कर दिए घर आते देखो, और ये क्या कर दिया सबरा खोद दिया, देखो गाय ये लचकीरे बना दिए, और ये क्या है क्या फतम ये भाई बहुत उद्यमी है मस्त तरीके से खेलना दोनों। तो गाय सोम भी आ चुका है, सोम खिलाते हैं अब बर्फी यहाँ पर जो लौकी की है, तो सोम को यहाँ पर जो बर्फी हमने खिला दी है। सोम कैसी है, हंस रहा है हंस रहा है। गाय यहाँ पर जो है सत्यम की दुकान लग चुकी है देख सकते हैं मस्त। तो गाय जब बाबा जी को जो है बाथरूम आ रहा है तो इनको अब उठा के ले चलते बाहर को और बाथरूम कराते हैं क्योंकि गाय अभी मौसम भी ज़्यादा खराब, बारिश हो रही है हल्की हल्की, क्यों गाय इनको ले जाना खटिया को उठा के फिर वहाँ पर रखना है, तो कम से कम दो जनी तो जरूरी है, तो मैंने गोपाल को फोन कर दिया अभी आ रहा है। तो गाय यहाँ पर देख सकते हैं सत्यम क्या कर रहा है, स्टूल अपने ऊपर गिरा लिया, छोटा वाला बाबू चढ़ गया ऊपर, ऊपर तो चढ़ जाता है सोफा के, अब ये उतर नहीं पाएगा। ये देख सकते हैं सत्यम जो है टीवी देख रहा है स्टूल पे बैठ के और छोटा वाला बाबू इधर उधर भाग रहा है, ये भी चढ़ने की कोशिश करेगा तो चढ़ गया, देखो चढ़ गया सोफे पे, अब वहां से घूम के जाएगा सत्यम, लल्ला देख रही किन्ने जाए। देखो देखो मम्मी फोन के गाने चल रहे हैं इधर, देखो यहाँ पर गाने चल रहे हैं संस्कार टीवी में और इधर सोम के गाने का तो गाय यहाँ पर देख सकते हैं जैसे भी बाजार से आया मैंने गाड़ी अंदर खड़ी करी, गाड़ी जैसे अंदर खड़ी होती है सत्यम सबसे पहले आता है और देख लो गाय क्या है इसमें सत्यम मोमोस, देखे मोमोस सत्यम बोल रहा था पापा मुझे मोमोस लेकर के आना, मोमोस लेकर के आना, गाय मोमोस लेकर के नहीं आए बहुत देर से, तो देख सत्यम बहुत सारे मोमोस लेके आया, इतने लेकर के आऊँ तो खा नहीं पाएगा, तो वो एक पैकेट गाय दे वो मोमोस, मोमोज ही मोमोज खाएगा। एक वो थैली यहाँ पर पंड दी हमने तीसरे नंबर की, एक वो थैली है गाइस, ओ कितनी धरी है। तो गाय यहाँ पर देख सकते हैं सत्यम ने जो है मस्त तरीके से गाइस सत्यम सबरे मोमोज खा जा रहा है, एक बार में एफ नहीं खाते हैं चटनी लगा के खाते हैं, सत्यम तो पूरी खा जा रहा है। तो गाइस हमने यहाँ पर जो चटनी कर ली है चटनी के अंदर मीठी सॉस भी मिला रही है क्योंकि मीठी इसका जो है मिर्ची जो कम लगती है यहाँ पर। सत्यम अच्छे मोमोज गाइस, फत्यम जो है मोमोस क्या कह रहा था एक दूसरी दुकान से लेकर के आया, तो बोला फत्यम के पापा मैं नहीं खाऊंगा मैं नहीं खाऊंगा, तो फिर मैंने बोला कि दूसरी दुकान से लेकर आऊंगा उस बाबा वाली पे जो आज लेकर गया हूँ। गाय इनके मोमोस बहुत ही बेस्ट मोमोस है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी एक बात होगी, एक सीन हो गया भाई, सत्यम ने इतने सारे मोमोज खाए उसके बाद 4 गिलास पानी पी करके और उसको जो है उल्टी आना शुरू होगी, बड़ी मुश्किल से गाय उसकी उल्टी रुकी है, और देखो चटनी दिख रहा है और यहाँ पर जो है बर्फी भी खाई है इसने लौकी की
और चटनी देखो खा रहा है, चम्मच में डालिए। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते गए नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप सभी को अगर हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को मेरे भाई को लाइक जरूर कर देना, अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।